अभी मनु मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की आज जोड़कर राम राम और नमस्ते भाई। फिलहाल औरंगनगर में हूँ, भिवानी डिस्ट्रिक्ट का गांव है औरंगनगर, और मैं जिस धरती पर फिलहाल खड़ा हूँ यहाँ एक बहुत बड़ा क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रखा है। ऑर्गेनाइजर हमारे साथ मौजूद हैं, जो ये क्रिकेट टूर्नामेंट करवा रखा है ये इस भाई की याद में करवा रखा है। मैं राकेश भाई से कहना चाहूँगा प्लीज़ एक बार ये विवेक भाई का फोटो दिखाना, विवेक भाई की याद में ये क्रिकेट टूर्नामेंट करवा रखा है, और इतना ज़बरदस्त क्रिकेट टूर्नामेंट करवा रखा है। वो आप ये ट्रॉफीज़ देखोगे तो आप समझ जाओगे भाई क्रिकेट टूर्नामेंट कितना ज़बरदस्त है। एक गांव की पृष्ठभूमि पे अगर इस तरह का टूर्नामेंट देखा जावे तो बहुत बड़ी बात है। ट्रॉफियों की लाइन लगी पड़ी है, यहाँ हर वो इनाम है जो एक इंटरनेशनल क्रिकेट में होता है। यहाँ आपको जो टीम जीतेगी उसकी ट्रॉफी, सेकंड आएगी उसकी ट्रॉफी, बेस्ट मतलब जो पूरे टूर्नामेंट का मैन ऑफ द सीरीज रहेगा उसकी ट्रॉफी, मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी, बेस्ट जो भाई बॉलर है उसकी ट्रॉफी, और यहाँ जो बेस्ट फील्डर रहेगा उसकी ट्रॉफी, हर मतलब ट्रॉफी जो एक इंटरनेशनल क्रिकेट में होती है वो टोटली यहाँ पे भैया ने व्यवस्था कर रखी है। इनाम जो है, जो पहला इनाम है वो 1 लाख रुपये, 1 लाख रुपये है जो पहला जो इनाम है वो 1 लाख रुपये है। पर जो जो इस टूर्नामेंट की जो बताशे हैं सही तरीके से वो मेरे हिसाब से ऑर्गेनाइजर बता सकते हैं। तो आपकी मुलाकात हमारे साथियों से। तो हेलो सर, नमस्ते भाई, भाई राम राम। हरियाणवी जिस धरती पे हम पैदा हो रहे हैं तो अपना तरीका डायरेक्टली उसी से है जो हमारी माँ ने सिखा रखी है, सेम हम बोलेंगे। तो सबसे पहले तो सबको राम राम भाई। राम राम भाई सबको। भाई कैसे मन बना एक क्रिकेट टूर्नामेंट औरंगनगर की धरती पर करवाया जावे? मैं ये बोल रहा हूँ, जो हमारे बड़े थे ना, जो हमारे सरपंच चले गए, वो भी क्रिकेट खेलते थे, कबड्डी प्लेयर भी थे हमारे, और हम भी क्रिकेट खेलते हैं, भाई भी क्रिकेट खेलते हैं। आपका शुभ नाम क्या है? नवीन कुमार। ये मेरे भाई हैं जो विवेक हैं, इनके नाम से करवाया, भाई भी क्रिकेट खेलते थे, इसकी याद में ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाया है नवीन भाई, वो भी एक अच्छे क्रिकेटर थे। हाँ हाँ जी। तो क्या इनाम? 1 लाख रुपये इनाम है भाई। सेकंड? सेकंड 51,000 रुपये। और बेस्ट जो आपने बताया था उसके लिए? बेस्ट ट्रॉफी है उनके लिए, और जो बेस्ट मैन है, फील्डर है, कीपर है, सबके लिए ट्रॉफीज हैं। हाँ जी। तो पूरे गांव का मतलब सहयोग है? हाँ, बॉलर के लिए भी कैप है और बैट्समैन के लिए भी कैप है जी। ऑरेंज कैप, ब्लू कैप, वो टांग रखी है आपने। बिल्कुल आईपीएल की टून पे ये टूर्नामेंट करवाया गया है। एक गांव में अगर इस तरह के टूर्नामेंट हो जिससे खेलों को बढ़ावा मिले, वो ये विवेक भाई आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन आज भी वो यहाँ बैठ के लोगों को देखने लाग रहे हैं, कौन चौके मारे है, कौन छक्के मारे है, कौन हार है, कौन जीते है, कौन रोल करे है, सारी बात का सारी चीज भाई देखने लाग रहा है। तो भाई टूर्नामेंट कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है भाई। स्टार्टिंग कब से हुई? आज ही स्टार्ट हुआ। तो आज मतलब अच्छा दिन था। जी जी। कितने टूर्नामेंट, कितने मैच हुए? मैच दो, एक शो मैच हुआ है, आल हरियाणा के सिंगर थे और एक मुसुदपुर की टीम थी, उनका शो मैच हुआ था। अच्छा। आल हरियाणा सिंगर आ रहे थे यहाँ, उसमें एक लड़की भी थी, नाम क्या था भाई उनका? सुमन जी। नहीं, मैं एक बात और आप लोगों को बताना चाहूंगा, ये जो टूर्नामेंट है ना, ये बड़ा धासु किस्म का टूर्नामेंट है, इसमें एक समाज ही खेल रहा है। ये नहीं है कि भाई एक गांव की टूर्नामेंट, मोखरा गांव की, पूरे गांव के बच्चे, हर समाज के लड़के छटका एक टीम बन के आवे, वो एक अलग बात है। लेकिन यहाँ जैसे मोखरा गांव की अगर टीम आ भी रही है, एंट्री है भाई मोखरा गांव की? जी हो रही है एंट्री। मोखरा गांव के जो समाज है वो सांसी समाज एक हमारे गांव में है, वो पूरे हरियाणा में, दिल्ली में, पूरे इंडिया में है। तो उस समाज का ये टूर्नामेंट है, सांसी समाज का टूर्नामेंट। विवेक भी सांसी समाज का था, ये भाई जो मेरे साथ मौजूद हैं ये सारे इसी समाज से हैं और इसी समाज का टूर्नामेंट है। और भाई एक बात मैं कहना चाहूँगा, मैं इस समाज के साथ क्रिकेट खेल रहा हूँ, मैं सांसी समाज के मेरे साथी, मेरे गाँव के भाई काफ़ी उनके साथ क्रिकेट खेल रहा हूँ। जो इनके जो बॉलर होते हैं ना, वो इतने धारदार होते हैं कि भाई जो पाकिस्तान के जो बॉलर होया करते ना पहले हमारे पुराने, जो हाँ शोएब अख्तर जैसे, मतलब खुखार बॉलर, वसीम अकरम जैसे, इतनी धारदार स्पीडी, आज भी इस समाज में, सांसी समाज में इतने खतरनाक बॉलर मैंने देखे हैं। बस ये तो वो बात है नवीन भाई, ये तो वो बात है कि हमारे यहाँ पर ना सिफारिशें चलती हैं, जो जो असली हुनर होता है वो निकल के कभी नहीं आता, लेकिन
जो तारीफ करने वाली बात है वो सच है। बैट्समैन मेरे को इतने ज़्यादा इनके पसंद नहीं आते थे पहले भी, आज तो मैं कई साल बाद आया हूँ, लेकिन जो बॉलर होते थे ना वो अपने दम पे मैच जिताते थे, कितना ही कम स्कोर कर लेते वो रन नहीं दिया करते, इतने कंजूस थे। तो भाई जो आप लोगों ने ना आपने देखा होगा मैच, हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, आपको भी लेके आएंगे साहब सबको, बड़ी बात। अब भी आपने देखा मैच कैसे फंसा हुआ था, जी जी 12/12 स्कोर चाहिए था अगली टीम को, बनने नहीं दिया बॉलरों ने, बिल्कुल अजायब की टीम अभी यहाँ जीती है। हाँ 6 रन ही बनने पाए हैं 2 ओवरों में जी। तो कितने दिन राम राम भाई, राम राम, आपका शुभ नाम? राजकुमार। राजकुमार जी कितने दिन तक एंजॉय करोगे इस टूर्नामेंट? 8 या 10 टूर्नामेंट तो भाई साहब कम से कम 8-10 दिन। भाई पूरी रामलीला कर रहे हो, टीमें 29 टीमें हैं ना, 8-10 दिन तो फुल एंजॉय, फुल एंजॉय चलेगा भाई। चलो तो भाई ये जो हमारे साथ चश्मे वाले मेरे भाई बैठे हैं, खड़े हैं मास्टर जी, ये भी बात करना चाहते हैं। तो मास्टर जी राम राम भाई। राम राम जी, राम पहले बताओ फेटो एकदम राजी पूरे हो रहे भाई है ना जी, खुश रहते हो मेरे, पूरे दिन हंसते रहते हो, बहुत बढ़िया जी सर। एक्चुअली मेरा गांव है ये, मैं आपको बता दूं मैं एक JBT अध्यापक भी हूँ हरियाणा गवर्नमेंट में, और मेरे गांव में ये टूर्नामेंट हो रहा है। और आपको इस गांव का इतिहास बता दूं, ये गांव एक ऐसा गांव है पूरा सांसी समाज का, एक सेपरेट गांव है हरियाणा में, एक लौता गांव है जहाँ पे सिर्फ टोटल सांसी ही रहते हैं, सिर्फ सांसी समाज के लोग रहते हैं, अदर कास्ट कोई नहीं है। और ये जो टूर्नामेंट कराया हमने भाई विवेक की याद में, मैं आपको अपने गाँव का और क्रिकेट का एक इतिहास छोटा सा बता दूँ, एक खुशखबरी इस चैनल के माध्यम से कि अभी सतीश बलानी करके एक हमारा भाई सांसी समाज से क्रिकेट में कोलकाता की टीम में IPL में सेलेक्ट हुआ है इसी साल, और ये बहुत ही हमारे समाज के लिए गर्व की बात है, हमारे समाज का क्रिकेट बहुत आगे बढ़ रहा है। और एक और आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा बात कि हमारे जो आज के मुख्य अतिथि हैं भाई संजू बैरू जी, जो आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं, वो भी बहुत ही समाज के क्रिकेट को जिंदा रखने के लिए पूरे भारत में मेहनत कर रहे हैं, और पूरे भारत में ही वो बच्चों का हौसला अफजाई करते हैं, उनका आर्थिक सहयोग करते हैं, हर तरह से उनकी मदद करते हैं। जैसे आपने बताया ना भाई साहब मास्टर जी ने कि भाई सतीश भाई का सिलेक्शन हुआ है कोलकाता की टीम में, तो पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, अगर सतीश भाई तक ये वीडियो पहुँच पाए तो सतीश भाई को भी कॉन्ग्रेचुलेशन। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा जो ये समाज है सांसी समाज, इस समाज के जो नए युवा होते हैं ना वो क्रिकेट से बड़ा प्रेम करते हैं, ये सही है भाई मास्टर जी? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बहुत ही। मैं आपको बता दूं, अगर आपने क्रिकेट के अंदर साउथ अफ्रीका की फील्डिंग कभी किसी टाइम बड़ी नंबर वन हुआ करती थी, अब तो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की फील्डिंग और इंग्लैंड की भी काफ़ी ज़बरदस्त टीमें हैं, ऐसी ही पूरे हरियाणा में औरंगनगर टीम एक ऐसी है जो फील्डिंग के दम पे मैच जीतती है। ये गांव का इतिहास है कि फील्डिंग इस गांव की बड़ी ज़बरदस्त है टीम की, और ये फील्डिंग के दम पे बहुत से टूर्नामेंट जीत चुकी है। तो भाई मैं नवीन भाई कहना चाहूँगा, विवेक भाई की याद में जो आपने ये धमाकेदार जो एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है, ऐसे ऐसे टूर्नामेंट ना साल दर साल करवाते रहा, अगर मैं तेन कहूँ अगला जो टूर्नामेंट हो वो सभी समाजों के साथ हो, सारे भाई मिलकर खेले, उसमें क्या होता है कि भाईचारा जिंदाबाद, हम एक दूसरे के साथ जुड़ना चाहते हैं, टूटना नहीं चाहते। एक बार महाराज जोड़ लें जी, फिर दो और समाज करवा देंगे, महाराज जोड़ा बड़ी जी। तो भाई अगला टूर्नामेंट इससे भी बड़ा धमाकेदार देखने को मिलेगा, हाँ पक्की बात है भाई? पक्की जमा जी, पक्की, इससे भी बड़ा। चलो तो एकदम लग्जरी टूर्नामेंट अगला आप लोगों को देखने को मिलेगा, आज भी लग्जरी टूर्नामेंट मिले, और मैंने एक मैच देखा था, मैंने आकर जो मैच देखा वो भी बड़ा एंडी मैच था, कांटेदार मैच, जिसके अनुकार है ना सिंह भिड़ रहे थे, वो मैच मैंने आज यहाँ देखा है। और ये जो भाई ने थोड़ा अजीब लगेगा मैं कहना चाहूँगा, सांसी समाज जो है ना वो पहले से जो पहले था उसमें आज देख के काफ़ी विकसित हो रहा है, काफ़ी बालक पढ़ लिख कर अफसर लागन लाग रहे हैं। उस कड़ी में जो हमारे साथ मास्टर जी मौजूद है ना, वो काफ़ी बातें मेरे को इंटरेस्टिंग इस गांव के बारे में बताने वाले थे। तो मास्टर जी, जी सर, जैसा कि चलते चलते बात करें, एक बात और है भाई जी, अगर यह टीम जो सी हारती है ना उसको भी सम्मानित करके भेजा जाए, मतलब हर टीम अपने आप को गर्व में लेके जाती है यहाँ से कि भाई हम ना औरंगनगर में खेल के आए, ये करना चाहते हैं। नहीं जी, ये भी पहली पहल है, अगर ये जैसे टीम अभी आ रही है ना उसको भी सम्मानित करके भेजा जाएगा यहाँ से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मास्टर जी हमने ना चलते चलते एक बैनर के पास ले आए, इस बैनर पे इस गाँव के जो बड़े बड़े नाम है अचीवमेंट हैं उनके बारे में बताना चाहते हैं। तो मास्टर जी सबसे पहले ना ये गजय सिंह जी हैं, ये कौन है? ये हमारे गांव से हमारे दादाजी लगते हैं, और ये एक्शन रिटायर हुए हैं अभी जस्ट, और बहुत ही बड़े अधिकारी रहे, और इनका हमेशा इन्होंने सामाजिक काम भी बहुत किए, बहन बेटियों की शादियों में, गरीब लड़कियों की शादियों में, और समाज के अंदर गाँव के अंदर हर जगह ये हमारे नेक काम करते रहते हैं, और बहुत ही नेक दिल इंसान है।
अच्छा जी, ये जो है दलवीर सिंह जी के बारे में, बलबीर सिंह के बारे में सर, ये इन्हीं के भाई हैं और ये भी LIC में एक बड़े अधिकारी रहे हैं और ये भी गांव के बहुत ही सम्मानित सदस्य हैं और बहुत ही सामाजिक कामों में बढ़ चढ़कर भाग लेते रहे। रणधीर सिंह जी, रणधीर सिंह जी भी हमारे शिक्षा बोर्ड में, भिवानी जो आपने शिक्षा बोर्ड सुना है उसमें एक अच्छे SSC के सेक्रेटरी रहे हैं और बड़े अधिकारी रहे हैं। कुमार जी, कार्यपाल अभिनेता, कार्यपाल अभिनेता रहे हैं, मतलब जो भी आपको मिलेंगे यहाँ बड़े बड़े अधिकारी मिलेंगे। और अनिल कुमार जी, न्यू इंडिया इंश्योरेंस में मैं बता देता हूँ, प्रवीण कुमार पूर्व सरपंच हैं, मास्टर जी तो हैं हमारे साथ मौजूद हैं, और जोगेंद्र HC और तनुजा जो बहन है अभी अभी इसी साल, जी 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 जी, और करतार सिंह जी ये रिटायरमेंट हुए हैं, रिटायरमेंट हुए हैं, और DSP है ये जेल वार्ड में, जी जी सरवर सिंह है DSP, और मलखान जी हाई ग्रेड असिस्टेंट LIC में, और ये स्टील मिनिस्ट्री MTS में है भाई अजय, सतीश कुमार जी इस गांव के हैं, यहाँ वो एडवोकेट हैं, इनके केस लड़ लेंगे और NIA असिस्टेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनका नाम नहीं लिखा आपने, अक्षय अक्षय भाई, और संदीप मास्टर जी, यानी जी के बड़े भाई हैं, जी 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 जी। तो भाई ये जो ना गांव औरंगनगर जो गांव है इसमें सिर्फ और सिर्फ सांसी समाज बसता है, और ये इस गांव के कुछ वो हस्तियां हैं जिनका नाम ये गांव गर्व से लेता है कि ये हमारे हैं, ये हमारे चाचा ताऊ भाई हैं। तो भाई मैं भी आज आपके गाँव में आया, काफी अच्छा लगा मुझे आपके गाँव में आके। तो भाई देखो ये तो आप लोगों का प्यार प्रेम है जो इनके ऊपर बरसता है, और आपने इनका इतना बड़ा पोस्टर गांव में, परिवार के हैं जी, ये पूरा गांव एक ही परिवार का है, जी 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 जी, उनका सब का एक ही दादा है। पुरानी बात कहते हैं, थारायो गांव सुखत बस है, मौज करे अर बथारे गांव में। इस ये जो आपने आज एक बैनर लगाया ना, आग कदे हम आओ इसे इसे 10 बैनर पाओ, उन पर भी जगह नहीं पावे, ऐसा होना चाहिए। और भाई आप लोग जैसे खेलों का बढ़ावा दे रहे हो, क्या है कि खेलों से ना एक दूसरे का मन प्रसन्न होता है, एक दूसरे का भाईचारा बढ़ता है, एक दूसरे से मिलते हैं। 24 गामा की टीम अड़ा रही हैं, 24 टीम एंट्री हो रही हैं, तो वो सब एक दूसरे को जानेंगे, पूरा समाज एक दूसरे से प्यार प्रेम करने लग जाएगा। भाई वीडियो जो है आप लोगों ने देख ली, मैं चाहूँगा इस समाज की जो ये उपलब्धियाँ आज हमने दिखाई हैं इसको बहुत ज़्यादा शेयर करो, हर समाज तक ये वीडियो पहुँचनी चाहिए, और भाई सांसी समाज के तो हर मोबाइल में ये वीडियो खुलनी चाहिए, और हर आदमी ने एक कमेंट लिखना चाहिए अपने समाज के प्रति, अपने भाईचारे के प्रति, और सुझाव देने चाहिए नवीन भाई और को कि भाई भविष्य में इस समाज को और ऊपर उठने के लिए किस तरह के कदम उठाने पड़ेंगे। तो भाई थैंक यू मास्टर जी, काफ़ी समय दिया आपने, थैंक यू वेरी मच नवीन भाई, थैंक यू भाई साहब, थैंक यू। तो भाई वीडियो आप लोगों ने देख ली, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, सत्यमेव जयते कहते हैं ना भाई, गर्व होना चाहिए कि हम सत्य के साथ खड़े हैं और अच्छे के साथ खड़े हैं। तो सारे भैया ने राम राम भाई, जय हिंद जय हरियाणा।